कलाम साहब से गुजारिश है कि मंच पे आ जाए। आप भाई आप भी आइए। मोमिन का अदब अदब और फहीद बाकर साहब की अध्यक्ष मोमिन अंसार सभा ने, क्योंकि मोमिन अंसार सभा पूरे देश में काम कर रही है, पिछले एक दशक से हमें काम करते हुए हो गया है, जिसमें अब तक के हम लोगों ने 9 राष्ट्रीय सम्मेलन किए हैं, जिसमें हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जो सम्मेलन हुआ उसके अलावा दिल्ली में हम लोगों ने सम्मेलन किया है, और जिसमें हमारे यहाँ महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तराखंड, आदि प्रदेशों के, पंजाब आदि, हरियाणा आदि प्रदेशों के लोग हमारे यहाँ पदाधिकारी अपने साथियों के साथ शामिल होते रहे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान में जो हालात हैं रोज़गार, शिक्षा, सुरक्षा के, जो सरहारा समाज के, उसमें मोमिन अंसार सभा का ऐसा मानना है कि जब तक के सभी को धर्म जाति संप्रदाय से ऊपर उठ के काम नहीं करेंगे, सबको सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, जब तक कि हमारा देश कामयाब नहीं हो सकता है। इसी कड़ी में हम लोगों ने, मोमिन अंसार सभा ने काम करते हुए हम लोगों ने अलग प्रकोष्ठ भी बनाए हैं, क्योंकि बहुत सारे हैंड्स की ज़रूरत है, जिसमें हम लोगों ने हमारी अधिवक्ता सभा, हलवाई सभा, रायन सभा, पठान सभा का भी आज हमने गठन किया है, इसी के साथ हमारे यहाँ डॉक्टर सभा और अधिवक्ता सभा के साहित्य अदब सभा हमारे यहाँ है, और आकाश फाउंडेशन फॉर लिटरेसी। आगे क्षेत्रों में काम करते हुए हम लोगों ने देखा है कि जब हमारे बहुत सारे लोग इस पर काम करेंगे तो देश तरक्की कर ले जाएगा। अब चूँकि बुनकर, दस्तकार और बहुत से हस्तशिल्पी और सरहारा समाज बहुत सी चीज़ों से महरूम है, इन सबको देखते हुए हम लोगों ने, हम आज इस बात के लिए अपने क्या मोमिन अंसार सभा उत्तर प्रदेश ने मीरादुद्दीन अंसारी साहब को भी हमने प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया है, और अलग अलग प्रकोष्ठों के सारे प्रदेश अध्यक्ष हमारे बीच में यहाँ मौजूद हैं। हम लोगों ने आज ये बात यहाँ पे की है कि हम लोग कर्मठता से काम करेंगे और देश को कस्बे कस्बे तक जाके जो चीज़ें हैं उनके तक पहुँचाने का काम करेंगे, लेकिन इसी के साथ जिस तरह से आप देख रहे हैं कि देश में हालात हैं आप, और उसके बाद सबसे पहले तो हम लोग वहाँ की बात करना चाहेंगे जो पाकिस्तान में ललकाना साहब पे, गुरुद्वारा पे जिस तरह पे लोगों ने पथराव किया है, मोमिन अंसार सभा ने आज उसकी कड़े शब्दों में निंदा की है और पाकिस्तान के सरकार से मांग की है कि ऐसे दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसी के साथ जो आप CA NRC के लेकर जो प्रदर्शन और धरने चल रहे हैं, लेकिन उसी के साथ JNU में जिस तरह से कल आपने देखा होगा कि वहाँ छात्रों पर और शिक्षकों पर लाठी चार्ज हुआ है, और वहाँ पे अराजक तत्व, लाठी चार्ज अराजक तत्वों ने मारा पीटा की है, और यहाँ तक कि अस्पतालों में भर्ती हैं, तो हम लोग केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार तत्काल ऐसे अराजक तत्वों को गिरफ्तार करे, चिन्हित करके सख्त से सख्त सजा दी जाए, क्योंकि ये हमला हम लोग ये मानते हैं कि लोकतंत्र पर हमला है, जब छात्रों पर और शिक्षकों पर हमला हो तो ये लोकतंत्र का हमला है। पुलिस की मौजूदगी में वहाँ पर सब कुछ हुआ और वहाँ पर एम्बुलेंस को भी आने से रोक दिया गया, इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, हमारे बीच में मैं ये कह रहा हूँ कि आज देश भर में ऐसे लोगों लोकतांत्रिक तरीके से जो चीज़ें प्रदर्शन हो रहे हैं, धरने हो रहे हैं, उनको दबाया जा रहा है। एक कड़ी में आप देख लीजिए, अपने उत्तर प्रदेश में बात कर रहे हैं, लखनऊ में बात कर रहे हैं, लखनऊ को भी देख लीजिए, हमारे बीच में मेरठ से आप मीरादुद्दीन साहब आए हैं, ऐसे लोगों की लिस्ट लेके आए हैं मेरे पास, बहुत लंबी लिस्ट है, जिन लोगों को जेल भेज दिया गया है उनके ऊपर मुकदमे कौन से लगाए, जिसने कभी जो है एक किसी भी अबे के मामले में भी जेल नहीं गए होंगे, गाली के मामले में जेल नहीं गए होंगे, या कभी सज़ा नहीं मिली होगी, उनके पास 307 जैसे और 7 CLA जैसे मुकदमे कायम कर दिए गए, उनको जेल भेजा गया है। मोमिन अंसार सभा उस पर मांग करती है कि, और जैसे आपने देखा होगा कि जो लोग मरे हैं उनको लोगों, वो पुलिस की गोली से मरे हैं और कहा गया कि ये ऐसी गोली से मारे गए हैं, तो इसके लिए मोमिन अंसार सभा ने उसकी निंदा की और मांग की है कि ऐसे दोषियों को जिन्होंने ऐसे कृत किया है उनको सजा मिले, और जो मासूम जेल में बंद है उनको तत्काल रिहा किया जाए। जहाँ जहाँ पे इस तरह की घटनाएं हो रही है पूरे देश भर में, हमारे सारे पदाधिकारी मुस्तैद हैं और सब जहाँ जाके उससे मुलाकातें कर रहे हैं, मुलाकात करके उनको पूरे तरीके से कहीं जरूरत पड़ेगी तो उसमें साथ देने का प्रयास, और जो मासूम जेल में बंद है, बेगुनाह जो जेल में बंद है, अगर उनको जरूरत पड़ती किसी तरीके की तो उनकी भी हमारे अधिवक्ता सेल पूरी तैयार है उनकी मदद करने के लिए। मुख्यमंत्री से मिलेंगे संदर्भ में आप? हम लोगों ने इसके लिए हमने ज्ञापन अपना मेमोरेंडम प्रधानमंत्री को भी भेजा है और उनको राष्ट्रपति को भी हम ज्ञापन अपना भेज चुके हैं इस बात को लेकर। आज यहाँ पर कितने पदाधिकारी बनाए गए और क्या काम सौंपा गया उनको, क्या कुछ कहा गया उनको? हमने आज उत्तर प्रदेश मोमिन सभा का कारवाक प्रदेश अध्यक्ष मीरादुद्दीन अंसारी साहब को बनाया है, और इसी के साथ मोमिन अधिवक्ता सभा का प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल रशीद एडवोकेट साहब को बनाया है, मोमिन साहित्य अदब सभा का प्रदेश अध्यक्ष रहमत लखनवी साहब को बनाया है,
मोमिन डॉक्टर सभा का प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर आसिफ कलाम को बनाया है, मोमिन डॉक्टर सभा के प्रदेश महामंत्री डॉक्टर परवेज साहब को बनाया है, मोमिन पठान सभा का प्रदेश अध्यक्ष कवि खां को बनाया है और प्रदेश का महामंत्री पठान सभा का एजाजुल हसन साहब को बनाया है। इस तरह से इन लोगों ने सबने आज शपथ भी ली है। यहाँ पर शपथ हमारे मोमिन साहब सभा के कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद नसीम अंसारी साहब ने दिलाई है और इन्हें शपथ में कहा है कि हम देश में किसी तरीके की जो अराजकता या लोगों को दबाने का जो भी लोग काम करेंगे उनके खिलाफ खड़े होंगे और हम लोगों को न्याय और न्याय दिलाने का काम करेंगे, रोजगार शिक्षा दिलाने का काम करेंगे। कर्मठ से आप लोग काफी समय से काम कर रहे हैं, अल्पसंख्यक के लिए काम कर रहे हैं, तो जिस तरह से ये दंगे हुए उत्तर प्रदेश में और अभी तक के मस्जिदों के बाहर पुलिस लगी हुई, जुमे के खासकर जुमे के दिन पुलिस लगा दी जाती है, तो ये सरकार क्या साबित करना चाह रही, मुसलमानों को दंगाई साबित करना चाह रही, जबकि कोई खास ऐसा जगह बहुत कम यहाँ पर रहा था प्रदर्शन का माहौल जिस तरह से हुआ। देखिए जहाँ तक की बात है जुमे की नमाज को लेके, तो जब भी नमाजी मस्जिद में जाता है तो अपने अल्लाह को याद करने जाता है, वहाँ पर कोई दंगाई नहीं जाता है वहाँ पे, लेकिन इस तरह का माहौल पैदा किया जा रहा है और इतना दिखाया जा रहा है देश भर में, मुसलमानों को पकड़ा जा रहा है, देश भर में दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे आते हैं लोग अराजकता कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कतई गलत, ये प्रोपेगेंडा है अपनी नाकामियों को छुपाने का, एक वर्ग को अलग करने दिखाना है, देश को बंटवारे की राजनीति की जा रही है, समरसता का माहौल पैदा किया जा रहा है और एक वर्ग के ऊपर थोपने की कोशिश की जा रही है कि इन्हीं को प्रसारित होकर के जो दूसरे भाई साथ दे रहे हैं साथ न दे उनको अलग करने की एक साजिश रची जा रही है। आप JNU को देख लीजिए, आप MU आप BHU को देख लीजिए, जहाँ के छात्र जिसे मजबूती से खड़े हुए हैं, लेकिन उनको साबित किया जा रहा है कि नहीं ये किसी एक वर्ग का मामला तुम्हारा नहीं है, इसके लिए साजिश रची जा रही है।